नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज। जनपद गाजीपुर में गंगा, जहां अभी कुछ दिनों पहले खतरे के निशान को पार कर कई गांव में घुस चुकी थी, जिसको लेकर तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के माथे पर बल आ गया था। लेकिन जब गंगा का जलस्तर कम होने लगा तो लोगों ने राहत की सांस लिया था। वहीं एक बार फिर से गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय जल आयोग के स्थल प्रभारी की बात माने तो जनपद में 12 सितंबर से गंगा का बढ़ना शुरू हो गया है। उस दिन बढ़ने की रफ्तार 8 से 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा रहा। वहीं 13 सितंबर को यह रफ्तार घटकर 4 सेंटीमीटर प्रति घंटा हो गया है और आज यानी 14 सितंबर को गंगा 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ते हुए 62.690 मीटर तक पहुँच चुकी है, जो खतरे के निशान से मात्र 40 सेंटीमीटर नीचे है। अगर गंगा इसी तरह बढ़ती रही तो देर रात तक खतरे का निशान भी पार कर जाएंगे। ये 12 तारीख को दोपहर से ही बढ़ना शुरू हुआ है, तो उसके बाद जो है आज तो इस समय जो है 3 का रेशियो पकड़ा हुआ है। इसके पहले जो है वो 8-10-7 का स्पीड पकड़ा था, अभी तक मान लीजिए बढ़ रहा है जी। कल बढ़ने का स्थिति जो है कल 8 बजे अरे 8-9-10 का रेशियो पकड़ा हुआ था प्रति घंटा प्रति घंटा के हिसाब से। आज जो है कम हुआ है, आज जो है 3 का भी पकड़ा हुआ है स्पीड। 62.690 पर है इस समय। खतरे के निशान से लगभग जो है 40 सेंटीमीटर कम है। ऐसे में जिस हिसाब से गंगा बढ़ रही है, क्या लगता है कि मतलब कब तक और बढ़ने की उम्मीद है, या आपके ऊपर से क्या बताया गया होगा? हाँ, अभी कल जो है सुबह 8 बजे तक अभी जो है नदी बढ़ेगा। हमारे यहाँ आया है फोरकास्ट बढ़ने का जी, राइजिंग दिया है कि कल जो है कल बढ़ेगा अभी नदी कल सुबह तक जी। अगर यही स्पीड चलती रही तो खतरे निशान कब तक पार कर सकता है? खतरे का निशान जो है पार कर देगा, 40 सेंटीमीटर है, रातों तले मान लीजिए खतरा के निशान पर पहुंच जाएगा पानी। बताते चले कि मध्य प्रदेश में करीब एक माह से जारी जोरदार बरसात के बाद नदियों में पानी छोड़ा गया है, जो चंबल और यमुना से होते हुए गंगा नदी तक पहुंचने लगा है। इसकी वजह से गंगा का रुख अब पूर्वांचल में बढ़ाव की ओर हो गया है। वही नदी में बढ़ाव का रुख होने से तटवर्ती इलाकों में भी लोग चिंता में डूब गए हैं।